नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, और इसके लिए हमने आलू उबाल लिया है। तो आलूओं को हम मैश कर लेते हैं, मैशर से कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो जितना आलू आपको यूज करना है उतने आलू को हम मैश कर लेंगे। तो हमने इतने सारे आलू उबाले थे, हमने आधा इसमें से मैश किया। हमें जितना यूज करना है हम उतने ही करेंगे मैश, और आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो लीजिए, आलू को हमने मैश कर लिया, और हमने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया था। तो इस ग्लास में ही हमने कूट लिया था बेलन से। तो आधा हम बेसन के बैटर के लिए रख देंगे और आधा हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ, अगर आप लोग के पास ज़्यादा धनिया हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। हमारे पास थोड़ा ही पड़ा था तो हमने थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल दिया था। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे आलू में। उसके बाद आलू को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मसलते हुए आलू को, जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसको अच्छे से मैश कर ले, मतलब मिक्स कर लीजिएगा। चलिए, एक बाउल लिया है हमने, बाउल में 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे, और बेसन में हम मसाले डालेंगे जिसमें कि स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा ही, और थोड़ा सा ही हल्दी डालेंगे, मतलब आधे से भी आधे चम्मच के करीब, और 2 चुटकी जीरा डालेंगे, 2 पिंच। इसके बाद हमने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। हो तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा था वो भी हमने डाल दिया है। और लीजिए, ये जो अदरक और लहसुन हमने कूट रखा था, आधा हमने बचा लिया था, उसी में हम पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इसी में डालना है। तो इस तरह से हम डाल देंगे तो ग्लास अच्छे से साफ भी हो जाएगा, और इसमें अदरक और लहसुन और जो हरी मिर्च है वो डल भी जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए, इस तरह का घोल बनाना है आपको, और घोल को अच्छे से फेंट लीजिएगा। फेंटने से क्या होएगा ना कि जो ब्रेड पकौड़ा एकदम फूला फूला सा बनेगा, और बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। तो हमें मिर्ची थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हमने 2 पिंच के करीब चिल्ली फ्लेक्स ऊपर से डाल के इसको घोल मिक्स कर दिया है, और इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद हमने ब्रेड का पैकेट लिया है, तो ब्रेड के स्लाइस निकालेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। जैसे आपको बनाना है उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो हमने 3 कोण, मतलब इसे काटेंगे इसको कोने जैसा त्रिकोण में, देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब हमने आलू का जो बनाया ना स्टफिंग सा, वो इसमें भरेंगे इस तरह से, ऐसे ब्रेड में इस तरह से अच्छे से इसमें लगाइएगा। अच्छे से लगाने से ना ब्रेड का स्वाद, मतलब ब्रेड पकौड़ा का स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि आलू अंदर अच्छे से भरा होता है ना, तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोग आलू अच्छे से भर लीजिएगा इसमें। और इसके बाद हम इसका दूसरा टुकड़ा उठाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से हम दबा देंगे तो ये चिपक जाता है, और अच्छे से किनारे भी सेट कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं, हमने दूसरा भी बना लेते हैं इसी तरह से। तो कई लोग जैसे खड़े ब्रेड का भी बनाते हैं, मतलब पूरा साबुत ही रहता है, उसको काटते नहीं हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं, बना के कट करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए कढ़ाई में ज़्यादा, और उसके बाद तेल वगैरह भी ज़्यादा उसमें डालना पड़ेगा। हलवाई होते हैं ना, वो लोग इसी तरह से बनाते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा है, सब लोग इसी को ही यूज करते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने
आलू को अच्छे से भर लिया। चलिए गैस की तरफ चलते हैं और ये जो हमने बेसन का घोल बनाया है ना, उसमें ये आलू जो भर रखे हैं बीच में वो वाला ब्रेड उठाएंगे और इसको ऐसे डिप करेंगे। और तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से, रिफाइंड ऑयल, तो उसमें बस इसमें डाल देना है। तेल थोड़ा गर्म रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा ठंडा होएगा ना तो ये ऑयली बनेगा ब्रेड पकौड़ा, और ज़्यादा गर्म होगा तो जल्दी से पक जाएगा, अंदर तक कच्चा रह जाएगा, अंदर तक पकेगा नहीं, तो इसलिए आँच को मीडियम ही रखिएगा और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बस इतना ही ज़रूरत होता है इसका। तो लीजिए इस तरह से हमने दो, एक बार में दो आएगा क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी है, तो हमने एक बार में दो ही डाला है। और इसको थोड़ी देर पकने देंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सा उलट पलट करेंगे। और ये देखिए ना, ये छोटे छोटे जो डालने के समय बेसन का घोल गिर जाता है ना, तो छोटे छोटे ऐसे मूछी से बन जाते हैं, मतलब वो बूंदी से, तो उनको निकाल देते हैं साइड में, वो भी पक जाते हैं, तो उसको ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरा सिक जाता है ना अच्छे से। तो लीजिए अब इसको हम पलटेंगे। तो देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गया है, इसको हम पलट देते हैं और दूसरे वाले को भी पलट देते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में ब्रेड पकौड़ा बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये आलू का स्टफिंग वाला बाज़ार में कम ही मिलता है, तो इस तरह से आप लोग अपने घर में बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो गर्मी का दिन है तो आप लोग शाम के नाश्ते में इसको खा सकते हैं, सुबह अगर नहीं खा सकते हैं तो, और जब दिल करे तब बना के खाइए, खाने वालों को कोई रोक टोक नहीं होता है। तो चलिए एक बैच का हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरी बैच का भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने 4-5 मिर्ची भी ऐसे बेसन में डिप करके इसको तल लिया था और इस पकोड़े के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं आप लोग को। आलू देखिए अंदर तक कितना भरा हुआ है, और इसको धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटर सॉस किसी के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में ये ब्रेड पकौड़ा बना के खाइए, और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्रेड पकौड़ा बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।